हसीना जी नीचे आ जाएं, गिर जाएगा। क्या जाला? अरे नहीं ये स्टूल। अरे आप पकड़े तो कैसे गिरेगा? क्या जाला? नहीं नहीं स्टूल, बस दो तीन दफा झाड़ दूं। क्या स्टूल? अरे नहीं नहीं जाला, इस पे तो खड़ी हूँ मैं। किस पे? जाले पे। अरे भाई स्टूल पे खड़ी हूँ, जाले झाड़ रही हूँ, आप जाके कोई कपड़ा ला दे। जालों को कपड़ा पहनाएंगी? अरे मुइन बल्ब पंखा वगैरह साफ कर दूंगी ना। ले तो आऊंगा मगर मुझे डर लग रहा है दूसरे कमरे में जाने से। नहीं ये स्टूल डग डग हो रहा है ना इसलिए। अरे कुछ नहीं होगा, आप जाइए तो जाके कपड़ा लेकर आए। कपड़ा रंगीन हो के सादा? कोई भी ले आए मुइन। कपड़ा प्रिंटेड हो या सेल्फ डिजाइन? मुझे क्या जहेज के कपड़े बनाने, इतने सवाल। कोई भी कपड़ा ला दीजिए ना जाके बस। कोई भी कपड़ा है? अच्छा आप खड़ी रहेंगी ना? नहीं स्टूल पे लेट जाऊंगी। अरे भाई खड़ी रहूंगी और क्या। अच्छा देख के खड़ी होइएगा सीना जी। क्यों कीचड़ है क्या? आप जाए वहाँ बस। कहाँ कीचड़ में? अरे भाई दूसरे कमरे में से ले आए कपड़ा, एक तो इतने बोने हैं, छत तक स्टूल रख कर भी कद नहीं जाता आपका। और आप लंबी इतनी है कि बिना स्टूल के छत पर हाथ पहुँच जाता है। अच्छा तो इस वक्त स्टूल पे कौन खड़ा है, मेरी अम्मी? नहीं नहीं आप बजाते खुद। आप बजाते खुद, जरा जाके कपड़ा ला दे प्लीज। जरा क्यों, मैं पूरा ला दूंगा, ये मैं क्या। अपना ख्याल रखिएगा सीना जी। हद होती है बेवकूफी की। अभी तो यही था, अभी तो यही था। अरे आप, मेरा हाथ टूट गया है। चलो आ जाओ, आ जाओ डॉक्टर के पास चलते हैं। आराम से उठाना, आराम से प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। किसको किसको? डॉक्टर को? अरे मुझको 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 मुझको। अच्छा लाए लाए हाथ दे अपना। अरे कैसे तू मुइन, मुझे लग रहा है टूट गया, सब तकलीफ हो रही है। अल्लाह हाथ तो लेकर तो जा रहा हूँ ना। क्या मेरा हाथ? अरे नहीं 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 हाथ ही, पूरी की पूरी हसीना जी आई है। सॉरी हसीना, वैसे मेरी एक सहेली है। खानसामा है? नहीं नहीं उसके घर में खानसामा है, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कहती है कि बेहतरीन कुक है, जबरदस्त खाने बनाता है। बस तो फिर उसे फौरन बुला लें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इस प्लास्टर पर एक भी मक्खी नहीं बैठनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त फ्रैक्चर है। आराम से हसीना जी, आराम से। अच्छी खासी थी, आराम से आराम से आराम से अच्छी खासी थी। क्या जरूरत थी आपको स्टूल पे चढ़ के जाले उतारने की? अरे तो क्या जालों पे चढ़ के स्टूल साफ करती? अरे भाई जरूरत क्या थी स्टूल साफ करने की? जाले साफ करने की। बात सुने मोइन, ईंट से सफाई नहीं की भी, कमरे का हशर देख रहे थे आप? अब जो आपके हाथ का हशर हुआ इसका क्या होगा? हाँ लेकिन ठीक हो जाएगा। काम कौन करेगा? आप और कौन? आप सफाई करना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना। अच्छा तो बेगम साहिबा तनख्वाह कितनी मिलेगी हमें? फूटी कौड़ी भी नहीं। कौड़ी तो आज के दौर में चलती नहीं है, हम खान सामा रख लेंगे। कौड़ियाँ चलाने के लिए? नहीं नहीं घर के कामकाज के लिए ना। गुड आइडिया, अगर आप अफोर्ड कर लेंगे तो रख लेते। अरे आपकी खातिर तो हसीना जी हम मौत भी अफोर्ड कर लेंगे। हाँ बुरी बात, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अच्छा वैसे मेरी एक सहेली है। खान सामा है? नहीं नहीं उसके घर में खान सामा है, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कहती है कि बेहतरीन कुक है, जबरदस्त खाने बनाता है। बस तो फिर उसे फौरन बुला लें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इस प्लास्टर पर एक भी मक्खी नहीं बैठनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर की तारीफ कर रहे हैं कि फ्रैक्चर जबरदस्त है? नहीं नहीं इसकी शिद्दत बता रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि एक मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए। अरे मेरा हाथ है या कटा हुआ फल कि मक्खी भी ना बैठे, अब क्या दूसरे हाथ से मक्खियाँ उड़ाती रहूंगी? अरे नहीं नहीं डॉक्टर ने मिसाल दी है कि जरा सा भी वजन नहीं पड़ना चाहिए। किस पे? मक्खी पे? अरे नहीं नहीं फ्रैक्चर पे। अच्छा वो आप फोन करें ना। अच्छा मेरा फोन ला देना जरा प्लीज। अच्छा अच्छा मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन आप खूब सारा आराम करेंगी, सारा काम खानसामा करेगा और मैं करूँगा, ठीक है?
समझ गई मेरा मोबाइल अभी लेकर आता हूँ। मोबाइल आप पहले आराम से बैठ जाए, आराम से टेक लगा लें, आराम से। डर तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, अभी लेकर आओ। मोइन भी ना, केबिन वाले भाई, अरे नीचो करने यार, तुमसे एक बात पूछनी है। दवा हिला के, अबे मेरे हाथ में क्या दवा है जो मैं हिला रहा हूँ भाई? कुछ पूछना ना, आप समझ नहीं रहे, दवा हिला के। अरे यार, हाँ भाई। अरे भाई, आप दवा हिलाते रहे और पूछते रहे, हम बता देंगे। अच्छा ये बताओ, मोइन साहब का घर कहाँ है? दवा हिला के। मोइन साहब का घर हम आपको बता देते, आप दवा हिलाते रहो। यहाँ से आप सीधा जाओगे दवा हिलाते, उसके बाद बाएं मुड़ोगे दवा हिलाते हुए, फिर आप दाएं मुड़ोगे दवा हिलाते हुए, फिर आप सीधा जाओगे दवा हिलाते हुए, उसके बाद इजी लोड वाले की दुकान है, उसके बराबर बंगला है उनका। अच्छा अच्छा, पहले मैं सीधा जाऊं, फिर दाएं मुड़ू दवा हिला के? अरे दवा हिलाएं, पहले दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े, उसके बाद दवा हिलाएं थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा, सीधा चला जाऊं दवा हिला के? हाँ, फिर दवा हिलाते हुए आप सीधा चले जाए, लेकिन जरा ढक्कन कस के बंद कर दिएगा, काफी देर से दवा हिला रहे हैं ना, हो सकता है कपड़ों पे गिर जाए। भाई मुझे एक बात बताइए, मेरे हाथ में कुछ दवाई की शीशी है दवा हिला के, मेरा तकिया कलाम है दवा हिला के। अच्छा ये बताइए मोइन भाई, क्या खैरियत है, हुआ क्या है? भाई बात ये है कि उनकी वाइफ की ना बाजू की हड्डी टूट गई थी, वो मेरे पास आई थी प्लास्टर करवाने, तो वो चेक करने जा रही था दवा हिला के। हसीना जी कब बाजू टूट गया? नहीं नहीं, अबे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, हसीना कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं है, और तुम कहीं मोइन तो नहीं? अबे डॉक्टर ऐसी बद्दुआ ना दो यार, हम कोई मोइन मोइन नहीं है, मोइन भाई तो बस अल्लाह मियां की गाय है। अबे गाय तो फीमेल होती है, मोइन तो मर्द है दवा हिला के। अरे कोई बात, दवा हिलाए बगैर करते हैं आप? हाँ ऐसी बहुत सी बातें जो दवा हिलाए बगैर करता हूँ दवा हिला के। अच्छा यहाँ भी दवा हिला दी भाई, वाह वाह वाह, बड़े काबिल डॉक्टर हैं आप। अबे भाई क्या हो गया, मैंने MBBS किया चाइना से चीनी हिला के। अबे भाई चाइना की तो कोई गारंटी नहीं है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अबे मैं तो दिन में क्लिनिक खोलता हूँ, दिन ही दिन खोलता हूँ, दिन ही दिन बंद कर देता हूँ दवा हिला के। क्यों, रात को क्यों नहीं? असल में बताया क्या, मुझे रात को नजर नहीं आता। एक दफा पता है क्या हुआ, मैं एक मरीजा को देखने गया, मरीजा की जगह उनके शौहर को टीका लगा दिया, शायद वो मर गया होगा। तुम तो अनाड़ी हो टट्टू है यार। ऐसी बात नहीं करो, बहुत काबिल डॉक्टर हूँ, एक्सरे देख के बता देता हूँ कितनी हड्डियाँ टूटी और कहाँ कहाँ की टूटी है। अरे वाह वाह वाह, फिर जल्दी जाइए ना, हसीना जी का एक्सरे चेक कीजिए, फिर मुझे मिलिएगा। वो क्यों भाई, दवा हिला के? यार मुझे फिक्र है हसीना जी की। तुम क्या हसीना के रिश्तेदार हो दवा हिला के, जो इतना जेलिस हो रहे हो? रिश्तेदार था बगैर दवा हिलाए। क्यों, अब रिश्ता नहीं रहा? रिश्ता है ना, सिर्फ मोहब्बत का, दोनों तरफ से दवा हिला के। अब ऐसे एक तरफ से मेरी तरफ से दवा हिला के। अच्छा अच्छा, दूसरे की बीवी से मोहब्बत करते हो। अच्छा छोड़ो, मुझे रास्ता तो बता दो। अरे भाई आप दवा ले आओ, फिर आपको रास्ता भी बता देंगे दवा हिला के। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरा मजाक नहीं उड़ाओ, मुझ पे भरोसा करो दवा हिला के। आप ईमान ले आए, हम आप पे एतबार कर लेंगे। अबे भाई मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान डॉक्टर हूँ दवा हिला के। अब यहाँ से निकल जाइए टांगे हिला के, बहुत दिमाग खा लिया आपने मेरा। अच्छा हाँ सुनिए, जब वापसी में जब आएंगे ना आप, तो हसीना जी का हाल चाल पूछ के आइएगा। अबे तुम क्या कोई उनके रिश्तेदार लगते हो, इतना तप रहे हो दवा हिला के? यार दवा हिला, अबे तार हिला के से। अबे कौन है भाई, क्या हुआ है, कहाँ है, कैसी है, बताओ ना, क्यों भूत बन गए हो, बताओ। अबे कौन भाई? वो हसीना। तुम तो ऐसे परेशान हो जैसे वो मेरी नहीं तुम्हारी बीवी है। तो थी नहीं क्या? कब? अरे कुछ एपिसोड पहले। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? यार वो स्टूल पे चढ़ के ना जाले साफ कर रही थी, स्टूल डिसबैलेंस हुआ और गिर गया। क्या गिरा, जाला? अबे स्टूल। हाँ तो स्टूल का बाजू टूटना चाहिए था ना। अरे तो स्टूल पे हसीना जी खड़ी थी ना। पहले कौन गिरा, स्टूल या हसीना? अबे जो जीतेगा उसे गाड़ी इनाम में मिलेगी। एक हादसा हो गया, तुम एंजॉय कर रहे हो? मैं एंजॉय नहीं कर रहा, फिकर कर रहा हूँ हसीना के हाथ की। क्यों भाई, तुझे रोटियां पका पका कर देती है क्या? है? दी नहीं थी क्या? कब कब? अरे एक एपिसोड में दी थी, आप लोग याद नहीं है, वो खाना खा रहे थे, एक रोटी मुझे भी दे दी थी। अबे जा भाई यहाँ से। अरे मैं कौन सा उनके हाथ की रोटियां मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्या हुआ है उनके साथ, डॉक्टर ने क्या कहा है? शदीद फ्रैक्चर है। किसको? डॉक्टर को। बट डॉक्टर मेरे घर के जाले साफ कर रहा था क्या? चलो अपने घर के तो करता होगा, तुम्हारी तरह थोड़ी है कि खुद नीचे साफ बहादुर खड़े होगा और बेगम साहिबा ऊपर स्टूल पे खड़ी होकर जाले साफ कर रही हैं। यार वो बात तो सही है, मगर मेरा हाथ नहीं जाता ना। कहाँ तक,
बीवी तक, छत के चालों तक। तो इतने बोने क्यों हो? बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने खाद तब्दील नहीं की थी क्या? मुझे क्या गमले में उगाया था क्या? पता नहीं भाई, अपने माँ बाप से पूछो। आप तो सारी चीजें नीचे नीचे लगवा लो अंडा। हाँ, सारे पंखे, सारे बल्ब, सारे बटन सब नीचे लगवा लो। और हाँ, मकड़ी से भी बात कर लो ताकि वो जाले नीचे नीचे बनाए और आपको आसानी हो जाए। है? अबे क्या बकवास कर रहे हैं, चल जाए यहाँ से। बड़ा है मेरी बीवी का हमदर्द बनकर। चल, मैं फिर आऊंगा मरीज से मिलने के लिए, और इस बार फल लेके आऊंगा। अगर निकल जाते फल। अच्छा सुनो, क्या वो हसीना जी खाती क्या है? पता तेरी से निकल जाते। अरे हसीना जी क्या कर रही हैं आप? क्यों, डस्टिंग सही नहीं की क्या आपने? ये कपड़ा क्यों उठाया है? क्यों, इसमें कॉकरोच है क्या? नहीं नहीं, आराम की जरूरत है ना। किसको? कॉकरोच को। अरे आपको, आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और आप डस्टिंग कर रही हैं। हाथ में प्लास्टर से डस्टिंग थोड़ी कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा प्लास्टर से डस्टिंग। नहीं नहीं, डस्टिंग मैं सारे घर की डस्टिंग कर दूंगा। अच्छा अच्छा, कर दीजिएगा, ठीक से कीजिएगा। देखिए मुझे जरा सी भी मिट्टी नहीं नजर आए। अगर मुझे जरा सी भी मिट्टी नजर आई ना तो मैं जबान से चाट लूंगा, इतनी सफाई करूंगा। आप मट्टी चाटते हैं? नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही मोहब्बत में कह दिया। नहीं, ऐसे कोई थोड़ी कह सकता है, जिसने मट्टी का जायका चखा होगा वही तो बोलेगा इस तरह से। अबे नहीं भाई, आपको यकीन दिलाने को कहा है ना। मुझे पता है आप बचपन में मट्टी चाटते थे, तभी आपकी सेहत नहीं बनी। नहीं नहीं, मेरी सेहत तो बहुत अच्छी है, मैं तो शुरू से ना हड्डियों का ढांचा था। डॉक्टर मेरा एक्सरे थोड़ी लेते थे, फिर बस वो पीठ के पीछे बल्ब जलाते थे और आगे से देख लेते थे। अच्छा, वो खान साहब आएगा, आप उसे देख लीजिएगा। क्यों, क्या वो देखने से खुश होता है क्या? अरे मेरा मतलब है कहीं इधर उधर ना चला जाए, मैंने एड्रेस वैसे सेंड कर दिया था रक्षी को। खान साहब का नाम रक्षी है क्या? उफ मोइन, वो मर्द है। कौन, रक्षी? नहीं नहीं, खान सामा मर्द है और रक्षी मेरी सहेली है। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता। क्या, कि रक्षी मेरी सहेली है? नहीं नहीं, खान सामा का अभी तो कुछ नहीं पता, आया भी नहीं और भूख भी बहुत लगी। तो क्या आप उसे भून कर खाएंगे? अरे नहीं नहीं, तौबा तौबा, आधा मुखौर थोड़ी हूँ मैं, तो ये पूछ रहा था कि अभी तक आया नहीं। बस अगले सीन में आ जाएगा, आप फिक्र ही मत करें। देखा, आ गया। वाह वाह वाह, मुझे नहलाओ धुलाओ खाना खिलाओ। वैसे आप मैडम हसीना के कौन है? मैं उनका शौहर हूँ, हस्बैंड हूँ। दोनों आप ही? कौन दोनों, हसीना और मैं? नहीं, आई मीन शौहर और हस्बैंड। अरे दोनों एक ही है। अच्छा अच्छा, तो वो कौन है? वो मैं हूँ मोइन, मिस हसीना मेरी वाइफ है। ओके सर, नाइस टू मीट यू। आप जा रहे हैं ना? जी नहीं सर, अभी तो मैं आया हूँ। क्या मैडम से मुलाकात हो सकती है? अकेले में? वैसे आपकी मर्जी है, मैं अंदर आ जाऊँ? हैं? हाँ, हाँ, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सो नाइस ऑफ यू सर। मैडम, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगा, घर का सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दूंगा और सफाई होगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक्सेलेंट, आई लाइक हिम मोइन। तुम अभी से काम शुरू कर दो। मोइन, इसे किचन दिखाइए। अरे इसे बहुत सारे किचन देखे होंगे, सब किचन एक जैसे होते, क्या करेगा देख के। तो आप पहले किसी होटल से वाबस्ता थे? आप जो डिश चाहेंगी मैम वो बन जाएगी, नेशनल हो या इंटरनेशनल। हम डिश नहीं बनवाते, खाना बनवाते हैं हसीना जी, ये नहीं चलेगा। एक मिनट मोइन, बटलर तुम खाना पकाने के अलावा और क्या क्या कर लेते हो? मैडम, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगा, घर का सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दूंगा और सफाई होगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक्सेलेंट, आई लाइक हिम मोइन। तुम अभी से काम शुरू कर दो। मोइन, इसे किचन दिखाइए। अरे इसे बहुत सारे किचन देखे होंगे, सब किचन एक जैसे होते, क्या करेगा देख के। अरे भाई भूख लगी है ना मोइन। किसको, इसको? हाँ जाओ भाई, जाओ बाहर से खा कर आओ, हम लोग यहीं पर हैं, जाओ शाबाश। ओह वो मोइन, आप इसे किचन में लेकर जाइए, खाना बनाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज? अगर घर में कुछ ना हो तो वो सब कुछ भी मैं ला दूंगा, किचन की सारी शॉपिंग मेरी जिम्मेदारी। नहीं 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 नहीं, क्यों 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 नहीं? अरे हम इसको सैलरी देंगे ना, तुम अभी से काम शुरू कर दो। ओके मैडम, मैं आपके लिए चिकन फ्राइड राइस विद हॉट एंड सॉर बनाता हूं। चलिए सर। क्या मेरा बनाओगे? मेरा मतलब है सर कि
क्या किचन इस तरफ? किचन उसी तरफ है जिस तरफ होना चाहिए था। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। जो भी उसको देख के गुजरे, ढूंढ फिर वो इसका ठिकाना। बस बसे है और परेशानी, कैसी है ये हाय जिंदगानी। क्या हकीकत क्या है तमाशा, सुन लो तुम ये इनकी जुबानी। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। ये नई मुसीबत आ गई घर में, मेरी गैर मौजूदगी में ये घर नहीं मौजूद होगा। और हसीना जी से कितनी फ्री होगी। नहीं 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 नहीं, मैं कल से जल्दी घर वापस आ जाया करूंगा। उसकी हर मासूम अता बन गई है एक सजा। जब से हमने शादी की, शक की लग गई हाय बाबा। ओ, उसकी हर मासूम अता बन गई है एक सजा। जब से हमने शादी की, शक की लग गई हाय बाबा। इधर आ, साइड में आ जरा, साइड में। अबे क्या मुझे पार करोगे क्या? अबे तुम तो कह रहे थे एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी, मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ हसीना जी के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है। अबे हाँ ना, हाथ टूटा प्लास्टर बनेगा, कुछ सहरा थोड़ी बनेगा। अबे मैं ऐसा मुक्का मारूंगा सारी बंदी भी चीजें खुल जाएंगी। अबे जबरदस्त यार, मार दे मुझे गुस्सा, एक हफ्ते से खबर नहीं टूट रहा। अबे बिजट, ये बता हसीना जी कब ठीक होंगी? और इतने दिन हो गए अब तक हाथ ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से एक बटला रख लिया, एक और परेशानी। अबे उससे क्या परेशानी है, तुझे दवा हिला के। अरे भाई खूबसूरत है हसीना, जवान है, हसीना जी को पसंद आ सकता है, ये टेंशन कम है क्या? ओहो ये तो उसके शौहर की टेंशन की बात है ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो दवा हिला के? अरे मेरे लिए तो मोहब्बत की टेंशन की बात है ना, समझा कर यार। ओहो मुझे याद आ गया, इस मोहल्ले में तो मोहब्बतें चल रही है, हर बंदा मोहब्बत कर रहा है, चक्कर क्या है ये मुझे बताओ दवा हिला के। अच्छा एक बात बता, तूने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है ना हसीना जी को, कितनी प्यारी लगती है। मोइन भाई से उनकी कोई जोड़ी बनती है क्या? खुदा की कसम नहीं बनती ईमान से। बस इसलिए हर कोई हसीना जी के साथ जोड़ी बनाना चाहता है, और मेरी जोड़ी तो एक बार बन चुकी है ना हसीना जी के साथ। ये कहानी क्या हुई थी भाई? बस बता दूंगा ना किसी दिन। अच्छा ये बता हसीना जी ठीक कब होंगी? अगर हसीना जी ठीक नहीं हुई ना, तेरा क्लिनिक तोड़ दूंगा आके। हाँ मैं समझ गया समझ गया, दवा हिला के चल कर। हसीना जी खुशामदीद। आप इतनी जल्दी आ गए? वो असल में काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं जल्दी आ गया। आप भाग कर आए क्या? नहीं नहीं, लेकिन तेज से चल रहा था ना। क्यों भाई, देखिए तो कितनी तेज से सांस चल रही है। भाई वो डॉक्टर कहते हैं कि तेज से चलने से ना दिल की बीमारियां नहीं होती है। आपको क्या दिल की बीमारी है? अरे नहीं नहीं, ऐसे दिल फिट रहता है ना बस, ये बटलर अभी तक गया नहीं। ये तो अभी खाना बनाएगा ना, साबित मछली फ्राई करेगा चटपटी सी। सर आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय या कुछ रिफ्रेशमेंट लेकर आता हूँ। फ्रेश फ्रेश क्या मतलब, क्या मतलब फ्रेश? मैं क्या बासी लग रहा हूँ? मुइन मतलब है कि मुंह हाथ धो लीजिए ना। जी सर आप मुंह से हाथ ही धो ले, मेरा मतलब इसका क्या मतलब है? आई एम सॉरी सर, मैं एक्चुअली मतलब नहीं पड़ता क्योंकि मैं मतलब ही आदमी नहीं हूँ। मैम मैं फिश को मैरिनेट करके सर के लिए चाय लेकर आता हूँ, आप कुछ लेंगी मैम? मैं वो go ahead यार go। लगता है मुइन बटलर से ज्यादा खुश नहीं, पता नहीं क्यों। अरे टेंशन तो होगी ना, वो आपसे ज्यादा जवान है, खूबसूरत है और पर्सनैलिटी भी तो है ना भाई। किसकी? हसीना जी की। अरे नहीं, उस बटलर की जो आपके घर आता तो है और जाता ही नहीं है। हाँ आपके गैर मौजूदगी में हसीना जी से वो फ्री तो नहीं होता। तुम यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो या मुझे तरकीब बताने? अरे आपके जख्मों का कचालू बना के थोड़ी खाना है जिस पर नमक मैं छिड़कूंगा। अच्छा तरकीब ये है
कि आप उसकी बनाई हुई डिश में थोड़ा नमक तेज कर दें, कभी मिर्ची तेज कर दें, और हाँ जहाँ वो सफाई करे वहाँ मट्टी डाल दें, यानी कि तबीयत से गंदा करें उसको। किसको? अपने घर को? अरे भाई उस बटलर को। काश मैं बटलर होता और हसीना जी की खिदमत करता। अरे बिल्लू तमीज से। हाँ भाई मैं तमीज से ही खिदमत करता, कौन सा चमाट मार के कहता चल बे चाय पी। अच्छा ऐसा करने से वो नाराज हो जाएगी? थप्पड़ मार के चाय पिलाने से? बे यार वो बटलर को बेइज्जत करने और उसे गंदा करने से। हाँ हसीना जी फुल नाराज हो जाएंगी। किससे? मुझसे? अरे बटलर से, कि वो खाना सही नहीं बना रहा, कभी नमक ज्यादा है कभी मिर्चे, और काम ठीक ठाक से कर नहीं रहा है वो। और हाँ ऊपर से नमक मिर्च लगा के खूब बातें लगाना। मैं बातों पे कैसे लगाऊंगा, होठों पे लगा लूं नमक मिर्च। वेरी गुड, आधा नींबू भी डाल लेना अपने होठों पे। अब क्या कर रहे हो मोइन भाई, क्या चिकन बीन बना रहे हो? अच्छा तो क्या करूं फिर? अरे उसकी बड़ा चढ़ा के बुराइयां करना, मैं भी हसीना जी के कान भर दूंगा। बस क्यों, क्या उनके कान खाली है? अरे मतलब झूठ झूठ कहानियां बनाऊंगा बटलर के खिलाफ, आप बस ये सब मुझ पे छोड़ दो। किसको? बटलर को। अरे भाई आप बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ, जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करके देखता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अबे बेस्ट ऑफ लक क्या, मैं क्या जंग पे जा रहा हूँ, चल के ले ऐसे, चल। जा रहा हूँ ना। वैसे तरकीब अच्छी बताई है इसे। मैं तो वो नमक मिर्च चेक कर रहा था डिश में बस। क्यों, आप शेफ से भी ज्यादा अच्छे कुक है? वो मैं देख रहा था कि इसमें ज्यादा मिर्चें तो नहीं है, असल में मुझे ना थोड़ी सी तेजाबियत हो रही है। आपको तेजाबियत हो रही है? आप ये चिकन कोरमा बिल्कुल नहीं खाएंगे, दही मंगा लेती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, अब मेरे मैदे में इतनी भी तेजाबियत नहीं कि उस पर दही उंडेल के उसको ठंडा कर दें। आप चिकन कोरमा बिल्कुल नहीं खाएंगे, आग लग जाएगी मैदे में अगर जरा भी तेजाबियत हुई तो। नहीं नहीं मैं खा लूंगा, आप फिक्र मत करें हसीना जी। हर केस नहीं, उसने बहुत मिर्चों वाला ब्रोस तैयार किया है, आप वो छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप सिर्फ दही खाएंगे बस। बस दही, लेकिन वो चिकन ब्रोस नहीं मिलेगा। क्या मुसीबत है यार, मैं तो ब्रोस्ट और कोरमा सिर्फ दही खाऊंगा। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली मैंने। तुम इतने बड़े शेफ हो, बड़े बड़े होटल्स में तुमने काम किया और कोरमे में तुमसे नमक तेज हो गया। सॉरी मैं, मुझे लगता है भूल चुक हो गई, लेकिन दही बहुत अच्छी थी भाई। ब्रोस्ट तो तुमने पहले बनाया था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कोरमा क्यों खराब हो गया? हाँ भाई अपने हाथों से बनाया फिर नमक डालकर खराब कर दिया, लेकिन दही बहुत अच्छी थी। बस सर आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब मैं किचन से हिलूंगा भी नहीं, बस डिश को देखता रहूंगा सर, और जब तक वो पक नहीं जाती उसे देखता रहूंगा। नहीं 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 नहीं, दूसरे काम कौन करेगा? हाँ किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार ध्यान से खाना बनाना, नमक मिर्च सब चीज चेक करते रहना। ओके मैम। मगर दही बहुत अच्छी थी भाई। सॉरी सर मैं बटलर हूँ, गवाला नहीं, ये दही सही मैं नहीं बनाता। और मुझे बताओ ये ड्राइंग रूम में जगह जगह मट्टी कहाँ से आई, सफाई नहीं की थी क्या तुमने? नो मैम, मैंने खुद सफाई की है, ये सब कुछ बाद में आ गया है। मट्टी के पांव जो खुद चल के आई और सोफे पे आकर लेट गई है। सॉरी मैम, अब दिन में दो दफा सफाई करूंगा, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ हाँ गलती इंसान से ही होती है, और इंसान गलती का पतीला होता है। पतीला नहीं सर, पुतला होता है। तुम मेरी ग्रामर ठीक ना करो, अपना काम करो, वरना काम से निकाल देंगे तुम्हें। I'm sorry सर, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Go ahead, go ahead. देखो मुईन, इतना तजुर्बेकार इंसान है, इसे ऐसे नहीं निकाल सकती मैं। क्या खास तजुर्बेकार है? सालन में नमक तेज, कमरे में मट्टी तेज, कुछ तो गड़बड़ है ना? ओ हसीना जी, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी जाएं जल्दी। हसीना जी कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है?
हाँ बस प्लास्टर बना हुआ है, देख लो। बहुत बुरा हुआ। क्या प्लास्टर? नहीं नहीं, आपको चोट लग गई, बहुत बुरा हुआ। हाँ बस जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है ना। जी जी सही फरमाया आपने। वो बटलर आपके घर में काम करता है क्या? हाँ हाँ, उसे मैंने रखा है। हाथ देख रहे हो? किसके? बटलर की? नहीं नहीं, मेरा हाथ टूटा हुआ है ना, इसलिए सारा काम वो करता है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है शक्लो सूरत के हवाले से कह रही है? हाँ हाँ, शक्लो सूरत से भी और काम के हवाले से भी। अरे काम वो अच्छा थोड़ी है। क्या अच्छा नहीं है, शक्लो सूरत से या काम काज से? अरे शक्लो सूरत का भले ही कैसा हो, काम में तो अच्छा होना चाहिए ना। आपको पता है ये कई घरों से निकाला गया है। शक्लो सूरत की वजह से? नहीं नहीं, काम की वजह से। इसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, और तो और कभी कभी दिमाग घूम जाता है, अजीब अजीब गड़बड़ कर देता है। हाँ हाँ हाँ, की ना उसने गड़बड़, खाने में नमक तेज कर दिया, और सफाई तो ऐसे की जैसे शालीमार स्टेशन छोड़ छोड़ के चलती हो। हाँ देखा ना कितनी गंदगी फैलाई है, जब तो लोगों ने निकाला। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे। हाँ पर तुम कैसे जानते हो? हाँ वो असल में मैं घर घर जाता हूँ ना केबल के पैसे लेने, तो मुझे हर घर की खबर होती है। मैंने वहाँ देखा है लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया है। एक साथ कई घरों में? वो कैसे? नहीं नहीं, कभी किस घर से मिला, कभी किस घर से मिला, और जब भी मिला जलील होता वही मिला। नहीं नहीं, शुरू में तो बहुत बेहतरीन काम करता था, बड़े बड़े होटल्स का तजुर्बा है उसको। अरे क्वेटा होटल पे चाय बनाता था ये, और वो पिछली गली में होटल है ना, वहाँ पे भी था ये। है वाकई? हाँ मतलब मैं भी अगर लंदन से अच्छे कपड़े पहन के आ जाऊँ और तमीज से बात करूँ तो क्या मैं भी बटलर हो गया क्या? हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है वैसे। हाँ भाई मेरा काम था आपको इत्तला देना, बाकी आपकी मर्जी, आप यकीन करें ना करें। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ना वो अगली गली में जाके ना केबल लगाना है। ठीक है जान। जाओ। अरे बहुत गैर जिम्मेदार है, निकाले इसे काम से। आपकी शर्ट भी जला दी थी इसने। मुझे उस शर्ट का बहुत अफसोस है, तुम्हें पता है वो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। I'm really sorry मैडम, पर मैंने उस शर्ट को इस्त्री के बाद खुद हैंग किया था, मैंने चेक किया था, वो बिल्कुल ठीक थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? आज फिर सालन में इतनी मिर्ची तेज हो गई थी, इतने अच्छे शेफ हो क्या गया तुम्हें? मैडम आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने चखा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तुम्हारा मैदा खराब है, मैदा खराब हो ना तो जुबान का जायका बदल जाता है। हैं? नहीं सर, मुझे नमक मिर्च खट्टा मीठा सब जायके पता चल रहे हैं। तो तुमने क्या सारी चीजें चाट चाट के देखी? नहीं नहीं मैडम, मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ। अरे बहुत गैर जिम्मेदार है, निकाले इसे काम से। आपकी शर्ट भी जला दी थी इसने। मुझे उस शर्ट का बहुत अफसोस है, तुम्हें पता है वो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। आई एम रियली सॉरी मैडम, पर मैंने उस शर्ट को इस्त्री के बाद खुद हैंग किया था, मैंने चेक किया था, वो बिल्कुल ठीक थी। तो क्या शर्ट भी चाट के चेक किए कि नमक मिर्च बराबर है कि नहीं है? आई डोंट नो कि तुमको क्या हुआ है, लेकिन मुझे बताओ कभी तुमने क्वेटा होटल पे काम किया? क्वेटा होटल? मैडम मैं कभी क्वेटा ही नहीं गया था, क्वेटा होटल में कैसे काम करूंगा? और पिछली गली में खान के होटल पे? सॉरी मैडम, मैं ये गली मोहल्ले के छोटे छोटे होटलों में काम नहीं करता, मैं बड़े बड़े होटलों में काम करता हूँ, बड़े बड़े होटलों में। आप चाहे तो मैडम रक्षी से पूछ सकते। हाँ आप पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। मोइन जरा रक्षी को फोन लगाइएगा। अरे छोड़िए ना, क्यों टेंशन ले रही है, इसे काम से निकाले, टेंशन खत्म। नहीं ऐसे नहीं, पहले कंफर्म करूंगी, फोन मिलाइए आप। हाँ हेलो। हाँ रक्षी क्या हाल है? भाई तुम्हारा भेजा हुआ बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया एकदम से उसे, कभी नमक ज्यादा कभी मिर्च ज्यादा। परसों कस्टर्ड बनाया और उसके अंदर मिर्चें डाल दी, मेरी शर्ट जला दी, सफाई ठीक से नहीं करता, जगह जगह मट्टी और रेत पड़ी हुई है। अच्छा कमाल है, पता नहीं सुना है कि खान के होटल पे भी काम किया? नहीं। अच्छा अच्छा देखती हूँ, खुदा हाफिज। क्या निकाल रही हो बटलर को? निकाल रही हो ना? नहीं रक्षी बता रही है कि इसने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है, बड़े बड़े होटल्स में काम किया है, गली कूचों के होटल्स में नहीं किया। तो फिर आप इसको नहीं निकाल रही ना? नहीं मैं इसे एक मौका और देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, अगर तुमने अब कुछ गलत किया ना तो अच्छा नहीं होगा, फिर निकाल दूंगी। नो मैम, नो नो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे एक बात बताओ, मुझे लगता है मेरे खिलाफ इस घर में साजिश हो रही है, आप बच के रहिएगा। चलो चलो बस, गो अहेड गो अहेड। ये क्या क्या कर गया भाई है? ये साजिश की बात कर रहा है, घर में आप होती है या वो होता है, हैं? साजिश कौन करेगा? आप तो बहुत फ्री है उससे और वो भी फ्री है आपसे। अब समझी। क्या 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 समझी?
कुछ नहीं। अच्छा मैं जरा बाहर से वॉक करके आता, मेरे पेट में अजीब सी डिस्टरबेंस गड़बड़ाइशन और पता नहीं कौन सा सेक्शन है। जाएं, जल्दी जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पेट में नहीं, आप में पूरे में कुछ डिस्टरबेंस चल रही है। नहीं 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 हसीना जी, ऐसी बात नहीं है। मैं एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। जो भी उसको देख के गुजरे, ढूंढे फिर वो इसका ठिकाना। बस बसे है और परेशानी, कैसी है ये हाय जिंदगानी। क्या हकीकत क्या है तमाशा, सुन लो तुम ये इनकी जुबानी। हसीना कुछ नहीं, मैं ये सामान सारा सीधा कर रहा था। सीधा या टेढ़ा? वो अभी सफाई करके गया है। क्या खाक सफाई करके गया? जगह जगह मट्टी पड़ी हुई है। ये तो सब आपने फैलाई है, अभी मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। नहीं नहीं मैं तो नहीं फैला रहा था, मैं तो वो हसीना जी। बहुत बुरी बात है, आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है बटलर से? अभी मैंने आपको देखा आपने किचन में जाकर उसकी हांडी में नमक डाल दिया, और अब आप ये पूरी जगह गंदी कर रहे हैं क्यों? और सारे इल्जाम बटलर पे। नहीं वो मैं असल में दरअसल मैं जो क्या दरअसल मैं उससे खुश होती हूँ, वो मेरी खिदमत करता है, इतना खूबसूरत हैंडसम है, बस फिर से आपको जेलसी शुरू, इसीलिए आपने ये साजिश की है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, आपको पता है मेरा तो अखरोट की गिरी जितना दिमाग है। ये सारी साजिश ना वो बिल्लू केबल वाले ने की थी। हाँ अगर हम ऐसा करेंगे ना तो आप बटलर को निकाल देंगी। बिल्लू केबल वाले की तो ऐसी की तैसी, उसकी तो मैं बाद में खबर लूंगी, पहले आपसे निपटती हूँ। अरे मोहित जी मेरा दूसरा हाथ भी टूट गया, मेरा क्या होगा, मैं कैसे काम करूंगी? अब ना दो दो बटलर रखने पड़ेंगे हमें। दो बटलर। अबे क्या खाली पीली नींद खराब कर दी, कौन हो तुम लोग? ये हमारा घर है तो हमें पूछना चाहिए कि कौन हो तुम। हाँ हमारा घर है, कौन हो तुम? डाकू। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लिखा पढ़ा हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ। क्यों? मेरा लिखा हुआ कोई पढ़ ही नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्या लिखते हो? टोनी का दिमाग लिखा अगर घूम गया ना तो मसला हो जाएगा। हसीना